नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो बेसिक्स के सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पीके और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेस्टर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है किसी फेज को चेक करने के लिए, या फिर यूं कहिए कि किसी फेज को चेक करने के लिए हमें किस टेस्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है और किस तरह से किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, मैं आपको बताते चलूँ कि कल ही हमने एक वीडियो पब्लिश किया था यूट्यूब के ऊपर, जिसमें मैंने ये बताया था कि फेज़ न्यूट्रल वायर किसे कहते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ताकि अच्छे से आपको समझ में आएगी। और अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो आपको पता ही होगा कि उसी वीडियो के साथ साथ हमने एक नया सीरीज चालू किया और इस सीरीज़ का नाम रखा है इलेक्ट्रो बेसिक्स। तो इस सीरीज़ में आने वाले जितने भी वीडियोज़ होंगे वो सारे इलेक्ट्रिकल के बेसिक्स नॉलेज के ऊपर, हर एक चीज़ के बारे में एक पर्टिकुलर वीडियोस होंगी जो इस सीरीज़ में आएंगी। और इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। आप अगर साथ दोगे तभी हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ये समझूँगा कि आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं और हम सब मिल के एक साथ चल रहे हैं। तो चलिए अब हम अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा ये टॉपिक था आज का कि टेस्टर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है किसी फेज को चेक करने के लिए। तो मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो किया था जिसमें मैंने चार यूज़फुल टेस्टर के बारे में बताया था, और मैंने उसी के साथ मैंने ये भी बताया था उसी के अंदर कि किस तरह से हम नियॉन टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं फेज को चेक करने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये वही टेस्टर है जिसका हम इस्तेमाल फेज को टेस्ट करने के लिए करते हैं। इस टेस्टर को हम नियॉन टेस्टर कहते हैं और इससे फेज को चेक करने के लिए हमें अपनी किसी भी हाथ के किसी भी एक उंगली को टेस्टर के ऊपर लगे नट में टच करना पड़ता है, या फिर पेन की हुक की तरह लगी उस पत्ती में टच करना पड़ता है। दोनों में से किसी में भी टच कर सकते हैं। और उसके बाद जो नीचे का हिस्सा होता है उस हिस्से को हमें उस वायर में टच करना पड़ता है जिस वायर में हमें पता करना है कि फेज है इसमें, तो या फिर उस जगह पे जैसे कि सॉकेट वगैरह होते हैं तो वहाँ पे भी हमें फेज को चेक करने के लिए इस तरह से हमें चेक करना पड़ता है। आप यहाँ पर अभी जो देख रहे हैं, मुझे लगता है आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा से हम नियॉन टेस्टर का इस्तेमाल करके किसी फेज को टेस्ट कर सकते हैं, किसी फेज का पता लगा सकते हैं नियॉन टेस्टर का इस्तेमाल करके, और अच्छे समझ में आ गया होगा। और आगे के आने वाले जो वीडियोस होंगे वो उनमें हम आपको सिखाएंगे, हम मिलकर ये सीखेंगे कि किस तरह से हम न्यूट्रल वायर को टेस्ट कर सकते हैं, किस टेस्टर की मदद से हम न्यूट्रल को टेस्ट कर सकते हैं, और कौन कौन से बेसिक कलर होते हैं जो इलेक्ट्रिकल में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।